तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निकी, सबको पता ही है। तो फिर आज हम आए पुणे के दगड़ूशेठ हलवाई पप्पा के पास। रात के हमने 2 बजे निकले, इसलिए रात के वजह से ज़्यादा सूट नहीं कर पाया रास्ते में, और ऊपर से हल्के हल्के बारिश हो रही है। तो सीधा हम आके अभी कितने टाइम हुआ, 6:11 को पहुंच गया इधर। पहले डिसाइड हो रहा कि हम कार से आएंगे, लेकिन सडनली रात की 1 बजे मालूम हुआ कार कैंसिल हो गया, तो हम आए बाइक से। हालत फुल टाइट हो गया, फिर कोई बात नहीं, हम दर्शन करेंगे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। चलो दर्शन करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू। पुणे में एक अच्छा लगा कि यहाँ पे ओपनली डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं, तो हम 10 मिनट या 15 मिनट में दर्शन करके निकल सकते हैं। रात ऐसा मुंबई में भी हो तो बहुत अच्छा होगा कि सबको दर्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे रश है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम ओपन है, इसलिए जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल सकते हैं। तो हमने ऐसे 3 गणपति बप्पा का दर्शन कर लिया, अभी 4th नंबर वाले में आ रहे हैं, तो बहुत ही ईजी है। देखिए आप जाके जल्दी जल्दी हम दर्शन कर सकते हैं, बहुत इजी है। मनासा गणपति में 5 से हमको 3 मिले, क्योंकि हर एक गली में गणपति बाप्पा है, तो हमने सबकी दर्शन किया। 3 बराबर लिखा है तो हमें मालूम चला कि 3, और 2 कहाँ है नहीं पता। फिलहाल हम 6:11 को पहुँचे थे, और 7:16 में पूरा कंप्लीट कर दिया। 3 गणपति तो क्या था, मनासा ना, ऑनरेबल, तो उनके तो 3 गणपति हमने कंप्लीट किया ही किया, ऊपर से हमने और 4-5 गणपति कंप्लीट किया। मतलब टोटल हमने बहुत गणपति जल्दी जल्दी हर एक गली पे हर एक गणपति बप्पा है, हमने बहुत दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। तो माहौल ही अलग है, मतलब जिस दिन क्या बोलूँ अभी, जिस दिन भीड़ होगा कैसे होगा,
भीड़ होता है अभी नहीं, अभी सुबह भीड़ बंद रहा, अभी होता है 9-8 के बाद। हाँ तो फिर हम नाश्ता करेंगे और मुंबई के लिए निकलेंगे। आते आते तो 4 घंटा लग गया, शायद जाते जाते भी 4 घंटे लगेंगे। तो मुंबई पहुँच के बात करते, तब तक चलो अभी मुझे मुडक खानी है, जो देसी वाला मुडक है, पुणे में बहुत मिलते हैं मैंने सुना। तो हम वो मुडक ढूंढेंगे, आपको भी दिखाएंगे मिले या कि नहीं। तो चलो मुडक ढूंढते हैं। पर बोलते लद्दाख जाना है, मुंबई से पूरा ट्रैवलिंग आ रहा तो खराब हो गए, बोल रहे मेरी वॉइस ही चेंज हो गई। पता नहीं इनको लद्दाख जाना है बाइक पे। बाइक पे नहीं, अभी बाइक पे कैंसिल, अभी हम कार पे जाएंगे लद्दाख। हाँ 4 घंटे में मेरा वॉइस अलग हो गई, वॉइस ही अलग हो गई। वो मेरा ड्रीम है बाइक पे जाने। फिर मैं ये बोलूंगी कि मैं लद्दाख बाइक पे नहीं, गाड़ी पे जाऊंगी, कार पे जाऊंगी, कि क्योंकि 4 घंटा बाइक पे बैठने से मेरा जो वॉइस का हालत हो गई। और बाकी तो बोलूंगी नहीं कि हालत कितनी टाइट है। तो अभी नेक्स्ट प्लानिंग मैं सोच रही हूँ गाड़ी का ही, क्योंकि गाड़ी से बेटर है कि वो दूर दूर है, 4-5 घंटे की दूरी में। जो भी हो, मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि बापा की दर्शन अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच। एंड अभी मुडक ढूंढने चलते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एक्चुअली बकबक किया, लेकिन बाई मिस्टेकली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो दोबारा बकबक नहीं कर सकती क्योंकि वॉइस भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रही है। और हालत ही तो फिर चलो मुडक ढूंढते हैं। तो 9:20 हो गए हैं, हम लोनावाला पहुंच गए। जो चाय पी लेते, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, कंटिन्यू आ रहे थे, कहीं पे भी बैग नहीं लिया था, बस लोनावाला में बैग लिया, चाय पीते हैं उसके बाद फिर से निकलते हैं। और 12 बजे सहरे की तो 12 बज रहे हैं, फेस किया। कभी नहीं आएगी, क्यों नहीं आऊँगी, आऊंगी, वापस आऊंगी। मिस्टर एपी के साथ कभी नहीं आएगी, वापस आऊंगी। वो बोलती लद्दाख 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 तो बाइक पे नहीं जाएंगे, कार से जाएंगे। किसके साथ जाने हम जाएंगे? कोई भी आ जाओ दोस्तों, ज्वाइन करो मुझे, चलो जाते हैं। मैं तो बाइक पे जाने वाला हूं। हेलो, चाय पी के, क्योंकि मैंने जैसे बोला मुंडक हमें मिला नहीं था वहाँ पे, क्योंकि सुबह के 7 बजे थे सारे शॉप क्लोज थे, तो मुंडक मिले नहीं और हम कंटिन्यू आ ही गए। तो आते आते अभी 9:20 को लोनावाला पहुँचे, नाश्ता किए हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे वापस। फेस पे सच में 12 बज गया, शीश कैसे लग रही हूँ मामा। तो नाश्ता तो कर लिया, नाश्ता करके अभी घर के लिए निकल रहे। नाश्ता करके मुझे और नींद आ रही है ब्रेकफास्ट करके। और 2 बजे से कल आज हम घूम ही रहे अभी तक घर पहुंचे नहीं। गए और आ रहे, घूम नहीं रहे। 10 बज गया, अभी तक पहुंचे ही नहीं, बाइक पे ही है। बाइक का हालत भी खराब हो गया, इंसान का हालत भी खराब हो गया, सबका हालत खराब। कितने अच्छे फॉग आ रहे थे, फॉग गया, मौसम बहुत ही अच्छी है। तो इसी के साथ साथ ही अलविदा करने का टाइम आ गया। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इतनी मेहनत हो रही है, लाइक तो बनता है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अनदर ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, स्माइल करते रहो।